गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग नहीं, ऑलमोस्ट 11 AM का टाइम है आज. मैं हम लोग स्कूल आए हैं, मेरे बेटे का स्कूल है, ये प्री स्कूल है. तो ये सामने देखिए स्कूल बस है, तो स्कूल बस अगर आगे खड़ी है तो आप उसको आगे पास नहीं कर सकते हैं. तो मेरे हस्बैंड को उसको पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा. मैंने अपने बेटे को यहाँ से पिकअप किया और ये देखिए हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं. हम लोग स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते ना आगे निकल सकते, ये यहाँ के रूल्स हैं. अगर ऐसा करने की कोशिश करी और तो फिर पुलिस आ सकती है, ड्राइवर पुलिस को बुला सकते हैं. और अगर ड्राइवर ने आगे का स्टॉप का साइन किया तो भी हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं. तो हमें इसके पीछे ही चलना है एज पर रूल्स. अब जब ये जो बस है, अगर इसने देखिए लेफ्ट टर्न ले लिया था तो हम लोग इधर चले गए थे. ये पूरा स्कूल एरिया है, ये देखना आस पास इस कुछ दो स्कूल्स हैं, ऐसा पब्लिक स्कूल है यहाँ पे. तो यहाँ पे पब्लिक स्कूल में फ़ीस नहीं लगती है, बसेस भी फ्री रहती हैं. बट आप पब्लिक स्कूल सिर्फ उधर ही डाल सकते हैं जिस एरिया में आप रहते हैं उसी के पब्लिक स्कूल में. ये नहीं कि यहाँ का पब्लिक स्कूल अच्छा है तो आप नथिंग लाइक दैट. जहाँ आप रहते हैं आप उसी के स्कूल में डाल सकते हैं. ये देखिए ये पूरा स्कूल एरिया है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल भी यही है. और अब ये मैं आ गई हूँ टाउन के ऑफिस में. ये टाउन का ऑफिस था, इसी के पास है लाइब्रेरी. मुझे आज लाइब्रेरी में काम था तो इसीलिए ये प्लान हुआ कि मुझे भी जब इसको लेने जाएंगे तो मुझे भी लाइब्रेरी जाना था. ये देखिए लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी 1800 के अराउंड की है, ये काफ़ी पुरानी है. लेकिन यहाँ का लाइब्रेरी सिस्टम इतना ऑसम है, इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ. इतना बढ़िया उन्होंने मैनेज किया हुआ है कि आप एक साथ एटलीस्ट 10 to 15 बुक्स ले सकते हैं 3 weeks के लिए. बाद में वो रिन्यू भी हो जाती हैं. बट कुछ बुक्स जैसे जो ज़्यादा पॉपुलर हैं तो उनके लिए रहता है कि आपको एक हफ्ते के लिए मिलते हैं. बट वो कुछ होती हैं, जनरली सारी बुक्स यहाँ मिल जाती हैं. रीडिंग रूम भी रहता है, कंप्यूटर भी रहता है. और देखिए यहाँ पर गाड़ी पार्क हो गई है. और यहाँ से मैंने सोचा आज मेरे बेटे को मॉन्स्टर से बहुत डर लगता है, तो मैंने सोचा उसके मॉन्स्टर का डर हटाने के लिए बुक्स लेके आएंगे. और वो इतना डरता है. ये देखिए यहाँ पे क्या है कि कोविड के बाद से और पहले भी जो लोग डिसेबल्ड हैं या जिनको चलने में दिक्कत है उनके लिए बटन सिस्टम है. और कोविड जब से आया है तब से नो टच की वजह से जस्ट यू पुट योर हैंड या रेज योर हैंड जस्ट लाइक और डोर खुल जाता है. ये देखिए यहाँ का लाइब्रेरी, ये अपने आप डोर खुल गया है. मैं अंदर गई थी और मुझे मेरा लाइब्रेरी कार्ड मिस हो गया था तो वो न्यू बनवाना था. तो यहाँ पे है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आइडेंटिटी प्रूफ की तरह यूज़ होता है. तो आप उसको दिखा के अपना जो भी कार्ड है एज आईडी यूज़ करते. देखिए मैं बुक्स ले आई थी मेरे बेटे के लिए बुक्स, तो साथ में वहाँ पे लाइब्रेरी में बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ रहते हैं, ड्राइंग शीट्स वगैरह भी रहते हैं, वो भी मैं लेके आई थी. देखिए कैमरा उसकी सब नीचे गिर गए थे तो मैं उठाने के चक्कर में नीचे चला गया था, ये सब हो गया. तो हम लोग को देख के मेरे हस्बैंड भी चले गए अपने लिए बुक लेने के लिए. देखिए ये शीट्स हैं जो बच्चों को ड्रॉ करने के लिए वहाँ पे मिलती हैं. ये देखिए बुक्स लेके बैठा हुआ है, इसने मुझसे बोला अभी मुझे बुक्स पढ़ के दो, मैं पढ़ने ही जा रही हूँ. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग.